हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? और डिस्कस करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को डिटेल में। और डेट है 13 अगस्त 2022। तो आज से हर घर तिरंगा कैंपेन जो था वो स्टार्ट है, और इस कैंपेन के तहत सब कोई अपने घर पे एक नेशनल फ्लैग लगाएगा, क्योंकि हमारे आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए हम डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी से अपील है कि अपने घर पे एक नेशनल फ्लैग जरूर लगाइए। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए क्या है। तो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया था और कम हुआ है, जो 6.71% पे आ गया है। पहले ये 7% तक बढ़ गया था। तो देखते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और जो गवर्नमेंट का टारगेट है इन्फ्लेशन को लेके वो +-4 से लेके 6% तक होता है। ओके, सॉरी 1 मिनट, +-4 -4 to 6% तक ये होता है, ये गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन टारगेट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, डिटेल एक एनालिसिस करते हैं। नीचे दिखाया गया कि जो रूरल इन्फ्लेशन था वो कुछ 7.09 था, और अर्बन 6.49% था। खैर, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, और प्री प्लस मेंस दोनों में ये काम आने वाला टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। इन्फ्लेशन रिफर टू द कंसिस्टेंट राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज। ठीक है, सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स एक्सेट्रा। इन्फ्लेशन मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज ओवर अ टाइम। इन्फ्लेशन में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं। सिंपल लैंग्वेज में पूरा मैंने समझा रखा है इन्फ्लेशन को। जो मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन अगर होता है तो वो काफ़ी अच्छा है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, एक्सेस इन्फ्लेशन जब होता है तो वो अच्छा नहीं होता है कंट्री के इकोनॉमी के लिए, वो परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यही सारा डिस्कस किया गया है इन दोनों लाइन में। आगे चलते हैं, देखते हैं इन्फ्लेशन और क्या क्या हमारे लिए बताता है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली दो इंडिसेस के लिए होता है, एक होता है WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विच मेजर द होलसेल एंड रिटेल लेवल प्राइजेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और एक चलिए दो चीज़ हमें पता चली कि WPI और CPI। तो डिटेल में देखते हैं कि वॉट इज WPI एंड CPI एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो जो WPI होता है वो मेजर करता है एवरेज प्राइस चेंज क्या हुआ गुड्स का एट अ होलसेल लेवल। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ गुड्स का प्राइस मेजर करता है होलसेल लेवल। ठीक, और जो CPI होता है वो एवरेज प्राइस चेंज को मेजर करता है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एट रिटेल लेवल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के लिए। जो WPI होता है वो सिर्फ गुड्स के प्राइस एट होलसेल लेवल पे देखता है, और जो CPI होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के प्राइस को रिटेल लेवल पे मेजर करता है या वॉच करता है। ठीक है, जो WPI होता है वो डेटा जो अपना पब्लिश करता है वो इकोनॉमिक ऑफ सॉरी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत जो WPI का डाटा होता है वो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एज वेल एज जो CPI का डाटा पब्लिश किया जाता है वो NSO के द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि किसका डाटा कौन प्रेजेंट करता है। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिएगा। और जो बेस ईयर है सॉरी
WPI का जो बेस ईयर है वो आपका है 2011 एंड 12, ठीक। और जो बेस ईयर CPI का है वो 2012 है। WPI टेक्स अकाउंट द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स ओनली, वाइल द CPI चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस। ये ऑलरेडी पॉइंट मैंने डिस्कस कर रखा है कि जो WPI होता है वो सिर्फ गुड्स में डील करता है या फिर वॉच करता है, और CPI दोनों को वॉच करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के प्री प्लस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करके और बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कितने तरीके के या कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं एक ब्रीफ में देख लेते हैं, और डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना। इनके बेसिकली जो टर्म होते हैं उनका मीनिंग जानना होता है। यूपीएससी बेसिकली टर्म दे देती है और एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लेती है। तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन और माइल्ड इन्फ्लेशन इज व्हेन द प्राइस राइज 3% अ ईयर और लेस। मीन्स प्राइस जो राइज हो रहा है वो 3% हो रहा है या फिर उससे कम हो रहा है, तो उसको क्रिपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली जो हम इन्फ्लेशन को इस पे देखते हैं वो स्पीड इनकी क्या होती है उस पे, और इस पे हम मेजर करते हैं बेसिकली, मतलब और ड्यूरेशन क्या है उस बेसिस पे बताते हैं कि ये इस टाइप का इन्फ्लेशन है। चलिए आगे देते हैं कि वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है। तो जो प्राइस लेवल है वो 3% से ज्यादा हो बट लेस देन 10% पर एनम हो, तो उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। जब इन्फ्लेशन जो है वो 10% से ज्यादा हो और प्राइस राइज जो वो डबल डिजिट में हो या फिर ट्रिपल डिजिट में हो, तो उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये भी काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी इसी टाइप के टर्म दे देती है और क्वेश्चन पूछ लेती है। जो इन्फ्लेशन होगा वो 10% से ज्यादा होगा और जो प्राइस होंगे वो डबल डिजिट या फिर ट्रिपल डिजिट में होंगे, ठीक है। वो हो गया आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आगे बढ़ते हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन एक सिचुएशन होता है वेयर द प्राइस राइज एट अलार्मिंग हाई रेट मोर देन 50% अ मंथ। एक ही महीने में जो प्राइस लेवल है वो 50% तक बढ़ जाएगा, उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लेशन क्या होता है। इफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन परसिस्ट और कंटिन्यू टू इंक्रीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड द क्रोनिक और सेकुलर इन्फ्लेशन। मीन्स जो इन्फ्लेशन है यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन कम ही है बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो क्रीपिंग क्रोनिक इन्फ्लेशन और सेकुलर इन्फ्लेशन कहलाएगा, ठीक है। मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीपिंग एंड वॉकिंग इन्फ्लेशन क्लब टुगेदर आर कॉल्ड मॉडरेट इन्फ्लेशन। मीन्स क्रीपिंग और मॉडरेट इन्फ्लेशन को जब हम क्लब कर देते हैं तो एक मॉडरेट इन्फ्लेशन बन जाता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस लेवल जो होता है वो लेस देन 10% पर एनएम होता है, यानी सिंगल डिजिट में होगा, वो मॉडरेट इन्फ्लेशन कहलाएगा। ये एक स्टेबल इन्फ्लेशन होता है एंड इट डज नॉट क्रिएट अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रनिंग इन्फ्लेशन देख लेते हैं। तो अ रैपिड एक्सीलरेशन इन द रेट ऑफ राइजिंग प्राइस इज रिफर्ड एज रनिंग इन्फ्लेशन, जिसमें क्या होता है कि प्राइस राइज जो होता है वो 10% पर एनम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीआई काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक डिटेल में सीपीआई को देखते हैं, ठीक है। सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स प्राइस चेंज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ रिटेल बायर। मीन्स ये एक रिटेल बेसिस पे प्राइस को जो होता है मॉनिटर करता है या मेजर करता है। सीपीआई का जो डेटा जो रिलीज करता है वो एनएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। जो बेस ईयर सीपीआई का होता है 2012 होता है एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी यूजेज द सीपीआई डेटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो सीपीआई के डेटा को एज अ कंट्रोल मेजर यूज करती है, ठीक है, इन्फ्लेशन को। सीपीआई कैलकुलेट द डिफरेंसेस इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड सर्विसेज। ओके, फोर टाइप्स ऑफ सीपीआई होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चार तरीके के होते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसको प्लीज आप बाय हार्ट
इसको याद रखिएगा, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है और फ्यूचर में भी पूछेगी, ठीक है। तो पहला जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सीपीआई होता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, सीपीआई होता है एग्रीकल्चर लेबर के लिए, सीपीआई होता है रूरल लेबर के लिए, एंड सीपीआई फॉर बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन कंबाइंड, ठीक। तो अगर देखिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, तो बेस ईयर इसका 2016 है, रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो लेबर ब्यूरो के द्वारा। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का देखिए तो बेस ईयर 1986 टू 1987 है, रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, ये भी सेम है। सीपीआई रूरल लेबर का देखा जाए तो बेस ईयर इसका भी 1986 टू 1987 है, और ये भी रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के ही द्वारा, ये तीनों लेबर ब्यूरो के द्वारा ही रिलीज की जाती है। सीपीआई कंबाइन जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका बेस ईयर 2012 है, और ये रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा अंडर एमओएसपीआई, ठीक है। तो ये था इन्फ्लेशन एंड सीपीआई का एक डिटेल डिस्कशन, आप इस सबको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। यहाँ पे एक न्यूज आ रही है कि महात्मा गांधी 1921 में काकीनाडा या कोकांडा पहुंचे थे, जिसको काकीनाडा अभी जाना जाता है। तो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये बताया गया कि जब महात्मा गांधी वहाँ पहुंचे थे 1921 में, तो उन्होंने बेसिकली तीन इशू पे काम किया था, कि अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड खादी पे। तो चलिए जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बेसिकली यहीं से महात्मा गांधी ने खादी मूवमेंट को एक स्टार्ट किया था और जोर दिया था कि लोग यूनाइट हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हमारे लिए क्या है यहाँ पे। तो खादी जो हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1920 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट नागपुर सेशन। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है कि खादी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम कौन सा सेशन चल रहा था कांग्रेस का, तो 1920 में हुआ था और नागपुर सेशन चल रहा था, ठीक है। इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ताकि जो उनके फॉरेन गुड्स हैं उनको बायकॉट किया जा सके, ठीक है। ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल गांधी इनकरेज हैंडलूम वेबिंग स्पिंड विद चरखा एंड प्रमोटेड खादी एंड ऑल्सो यूज एज अ मीडियम टू स्प्रेड द वेव ऑफ नेशनलिज्म एट ग्रास रूट लेवल। ये जो खादी का प्रमोशन था ये बहुत तरीकों से ये काम आया, एक तो नेशनलिज्म को प्रमोट करने में भी काम आया और ब्रिटिशर्स को बायकॉट करने में काम आया, जो कि वो इंडिया से खादी का इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मूवमेंट रेंडर्ड एन अपॉर्चुनिटी इंडियंस टू बी सेल्फ रिलायंट ऑन कॉटन एंड फ्री फ्रॉम क्लोथ प्रोड्यूस बाय फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये हो गया कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो रहा और अपने कपड़े खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहां से क्लोथ का मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में ही लाके सेल करते थे। तो ये इंडिया अब खुद करने लगा था, जिसकी वजह से उनका काफी लॉस हो रहा था ब्रिटिशर्स का। द फर्स्ट खादी प्रोडक्शन सेंटर वॉज स्टेब्लिश एट काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। चलिए इम्पोर्टेंट जो न्यूज है हमारा, कि वंदे भारत एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हुई थी कोच्चि, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी कुमार वैष्णव साहब, इन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में पूरे इंडिया यानी पूरे भारत में जो वंदे भारत ट्रेन है वो चलेगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि व्हाट इज वंदे भारत। तो ये एक इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये पूरी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, इंजन लेस है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। अर्लियर इट वॉज नोन एज ट्रेन 18, ट्रेन 18 के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। ये रन करती है बिटवीन दिल्ली टू वाराणसी एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर, और इसका जो सेकंड रूट है वो दिल्ली टू जम्मू भी है, ठीक है। और इट हैज बीन बिल्ड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 20 मंथ्स, 20 महीने में इसको बनाया गया है चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, वहां पे इसका
मैन्युफैक्चरिंग हुआ। अटेन इज 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाफ ऑफ द कॉस्ट पे इसको बिल्ड किया है जो कि इंपोर्ट होती थी, ठीक। ये एक एनर्जी सफिशियंट ट्रेन है जिसमें एलईडी लाइट्स वगैरह फिटेड हैं और इनके डोर्स ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं और फुट स्टेप्स भी ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल हैं, ठीक है। ये इट विल बी इंटरकनेक्टेड फुली सील्ड गैंगवेज अलोंग विद द जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें जीपीएस है और बायो टॉयलेट्स भी दिए गए हैं, ठीक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड थी वंदे भारत जो हमारी ट्रेन है, या ट्रेन 18 से रिलेटेड। आगे देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन जो है उनसे रिलेटेड एक पीआईएल फाइल किया गया है, सॉरी रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं क्या है कि भूपेंद्र यादव ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया है और कोर्ट से बोला है कि आप एक बार री लुक करें जजमेंट को, या फिर इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड जो भी केसेस हैं। यहाँ पे देखते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व दिया गया है, तो बेसिकली यहाँ लोकेशन जानना में हमारा जरूरी है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये केरला में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हैज डायरेक्टेड दैट एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस द कंट्री शुड हैव अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ मिनिमम 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्रीज। इसी बात पे थोड़े से कुछ इश्यूज हैं, तो चलिए हम देखते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन हो जाता है, ये क्या है इसको अच्छे से देखते हैं। इको सेंसिटिव जोन और इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया आर द एरिया नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके चारों तरफ जो MOEFCC है वो इको सेंसिटिव एरिया या फिर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करता है ताकि इनको बचाया जा सके, ठीक है। पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग ESZ इज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक वे एब्जॉर्बर टू प्रोटेक्ट द एरिया। सेम चीज मैंने ऊपर बताया कि इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करने के लिए इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है किसी भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और प्रोटेक्टेड एरिया के बाद में या आगे, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन जोन भी है ऑफ हाई प्रोटेक्शन एरिया टू लो प्रोटेक्शन एरिया के बीच में, ठीक है। इको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट मेंशन द वर्ड इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। एन इको सेंसिटिव जोन कुड गो अप टू 10 किलोमीटर अराउंड अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड प्रोवाइड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2002। ये एक नॉर्मल पॉइंट से है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है ये ऊपर वाले मैंने सारे हाईलाइट कर रखा है, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए है कि इंडिया और नाटो का काफ़ी आजकल मीटिंग चल रहा है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया काफ़ी टच में है नाटो के, तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का पहला जो मीटिंग हुआ था नाटो के साथ वो हुआ था दिसंबर 2019 में, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया नाटो। व्हाट इज नाटो, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंसेस। ये आप याद रखिए, यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ लेती है कि ये कौन सा है। तो ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंसेस है, ठीक। इस्टेब्लिश बाई द वॉशिंगटन ट्रीटी। आगे चलते हैं कि इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो 1949 में स्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और आगे बढ़ते हैं, तो हेडक्वार्टर एलआई जो कमांड ऑपरेशन इसका है वो किस जगह और है, तो एक मोन्स में है, दूसरा बेल्जियम में है, ठीक है। नाटो थोड़ा और देखें तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस है इस्टेब्लिश बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंगटन ट्रीटी। इसको वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज नेशन, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन।
बेसिकली क्या हुआ था कि एक तरफ नाटो था और दूसरी तरफ एक तरफ नाटो और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। तो कुछ कंट्रीज जो थी वो नाटो ज्वाइन कर ली और कुछ कंट्री सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर ली। और इससे क्या हुआ कि नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो कि सबको एश्योरेंस दे रहा था कि वो जो भी कंट्री उसके मेंबर बनेंगे वो उसको पॉलिटिकली एज वेल एज मिलिट्रीली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली नाटो यही है। और आगे चलते हैं तो इसके 30 मेंबर है नाटो के। इट्स ओरिजिनल मेंबर वर बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके और यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाटो क्या कहता है कि इट विल सेफ गार्ड द फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर बाय पॉलिटिकली एंड मिलिट्री मीन्स। ये मैंने ऊपर आपको बताया और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नाटो होता है अपने जो एलाइज होते हैं या फिर मेंबर होते हैं उनके पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री मीन्स को प्रोटेक्ट करता है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, चलो नाटो के मेंबर्स यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी तो मैप के थ्रू आप याद रखिएगा, तो एक बार देख ले। तो नॉर्वे है, आइसलैंड है, जर्मनी, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, इटली, क्रोएशिया, मॉन्टीनिग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, अल्बेनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, स्लोवेनिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, सी चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया एंड डेनमार्क। दिस ऑल आर द 30 मेंबर्स ऑफ द नेटो। ओके, एंड कैनेडा एंड यूएस है, ये सारे मेंबर्स हैं नेटो कंट्रीज के। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो हरकत में है और जो तूर दाल के प्राइस बढ़ रहे थे उनको कम करने की बात कर रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वॉज अ पार्लियामेंट्री एक्ट विच गवर्न द डिलीवरी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी और प्रोडक्ट्स हुज ऑब्स्ट्रक्शन कुड अफेक्ट द लाइफ इन द कॉमन पीपल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मीन्स जो ईसीए है या फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो एक पार्लियामेंट एक्ट है जो कि गवर्न करता है उन कॉमन प्रोडक्ट्स को जिन कि अगर डिलीवरी या फिर सप्लाई को रोक दिया जाए तो नॉर्मल या कॉमन पीपल की लाइफ काफी अफेक्ट होगी। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसी से डील करता है या फिर उन्हीं को मेजर करता है। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1955 एंड हैज बीन यूज्ड टू मैनेज द सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टर्म एज एसेंशियल। जो भी एसेंशियल प्रोडक्शन है या सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैनेज करती है एसेंशियल कमोडिटी। ठीक है, ये फॉर्म हुई थी 1955 में। इन दिस वे द गवर्नमेंट मेक द दीज कमोडिटी अवेलेबल एंड कंजप्शन एट एक्सेप्टेबल प्राइस। बेसिकली ये भी मेजर करता है कि जो प्राइस है उस कमोडिटी का या फिर उस गुड्स का मार्केट में वो एक्सेप्टेबल हो, ना कि काफी हाई हो। कुछ लिस्ट दी गई हैं जो कि फॉल करती हैं अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो पहला जो है हमारा फर्टिलाइजर है, दूसरा पल्सेस है, तीसरा एडिबल ऑयल है, सीरियल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, पेट्रोलियम एंड एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, सीड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो ऊपर न्यूज़ क्या था कि तूर के प्राइस भी काफ़ी बढ़ गए थे बीच में। तो क्यों बढ़ गए थे, बेसिकली क्या था कि मिड जुलाई में स्लो प्रोग्रेस था खरीफ सीजन में और एक्सेस रेनफॉल हुआ था और वाटर लॉगिंग हो गया था जिस जगह पे तूर का ग्रोथ होता है काफी ज्यादा, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। इसकी वजह से तूर जो दाल थी उनके प्राइस काफी हाइक हो गए थे, काफी बढ़ गए थे। तो एक बार देखते हैं कि तूर, व्हाट इज तूर, और इसको अरहर दाल और पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार चलिए देखते हैं कि पिजन पी क्या होता है। पिजन पी कॉमनली नोन एज रेड ग्राम और तूर और अरहर, इनको तीन नाम से जानते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है व्हाट इज रेड ग्राम और कुछ पॉइंट दे देंगी। तो
रेड ग्राम, तुर और अरहर, इन तीन नाम से इसको जाना जाता है। अ वेरी ओल्ड क्रॉप है कंट्री का ये। आफ्टर ग्राम, अरहर इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्सेस क्रॉप इन द कंट्री। ग्राम के बाद जो अरहर होता है ये इम्पोर्टेंट पल्स है कंट्री का। मोर देन 80% ऑफ तूर प्रोडक्शन कम फ्रॉम सिक्स स्टेट, जो कि महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, यूपी, गुजरात और झारखंड। इन छह स्टेट्स जो इंडिया के, यहाँ से 80% तूर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पिजन पी इज प्रिडोमिनेंटली क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, मेनली कल्टिवेटेड इन सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया। मीन्स सेमी एरिड रीजन्स में इनका कल्टिवेशन बेसिकली होता है, और ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में बेसिकली ग्रोन होता है। पिजन पी कैन बी ग्रोन विद अ टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब बेसिकली आप इसको यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ये कुछ मिस्टेक हुआ है, 26 डिग्री सेल्सियस सही है और ये 30 डिग्री सेल्सियस है। इन द रेनी सीजन, जो कि जून से अक्टूबर का होता है, और इसको रिक्वायर्ड होता है 17 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस। द पोस्ट रेनी सीजन, जो कि नवंबर से मार्च का सीजन होता है। ठीक है, ये आप हर जगह करेक्ट कर लीजिएगा। 17 डिग्री सेल्सियस है, ये 22 है, ना कि 220। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इट इज सक्सेसफुली ग्रोन इन ब्लैक कॉटन सॉइल। मतलब किस टाइप का सॉइल रिक्वायरमेंट होता है अगर हमें तूर या फिर पिजन पी को ग्रोन करना है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज रिक्वायर्ड टू ग्रोन द पिजन पी। ठीक है, एक वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है जिसका पीएच लगभग 7 से 8 पे होए, तो वहां पे इसका जो कल्टीवेशन या फिर प्रोडक्शन वो काफी अच्छे से होगा। जो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि ईरान जो है वो, और जो T5+1 या फिर न्यूक्लियर डील है उसको साइन करने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए काफी उतावला है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ईरान जो डील है यूरोपियन यूनियन के साथ वो साइन कर लेगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि व्हाट इज ईरान न्यूक्लियर डील, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे वही सारी चीजें समझाई गई हैं कि जो ईरान था वो 2015 में न्यूक्लियर डील को साइन करता है। ठीक है, फिर बीच में कुछ बातें होती हैं, और यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप होते हैं वो आते हैं सत्ता में और वो विड्रॉल कर देते हैं। ठीक है, या फिर क्विट कर देते हैं इस डील से। तो ईरान के कुछ शर्त हैं जिसमें वो बोला है कि हम डील तो साइन कर लेंगे, बट हमें गारंटी चाहिए कि यूएस के फ्यूचर में जो भी प्रेसिडेंट आएंगे वो इसको डील से फिर क्विट ना करें। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला है कि जो तेहरान पे वेरियस सैंक्शंस लगे हैं वो लिफ्ट अप कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ उनके डिमांड है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। हमें डिस्कस करना है व्हाट इज न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज और द यूएस। तो ईरान न्यूक्लियर डील को P5+1 के नाम से भी जानते हैं। डील फॉर्मली नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और JCPOA, इसके बेसिकली ये नाम है, जकपोआ एंड P5+1। द JCPOA वॉज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन फ्रॉम 2013 टू 15 बिटवीन ईरान एंड P5+1 कंट्रीज। तो ये एक नेगोशिएशन था जो 2013 से चल रहा था, फाइनली 2015 में जाके ये डील साइन होती है बिटवीन द P5+1 कंट्रीज। P5 मतलब P5 कंट्रीज और +1 अलग से ऐड होती हैं, तो वो सारी कंट्रीज ये हैं। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, प्लस जो ऐड हुई है वो जर्मनी। ठीक है, ये सारी कंट्रीज हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अंडर द डील ईरान एग्री टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, हैवी वाटर एंड ऑल की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। बेसिकली जब ये डील साइन होती है तो ईरान ये एग्री करता है कि वो अपने यूरेनियम के इनरिचमेंट को कम करेगा, हैवी वाटर को कम करेगा, और जो भी वो इनरिचमेंट कर रहा है वो IAEA के सामने रखेगा। आगे वही डिस्कस किया गया कि ईरान हैज एग्रीड टू इम्प्लीमेंट अ प्रोटोकॉल दैट इट विल अलाउ इंस्पेक्ट टू द IAEA टू एक्सेस इट्स न्यूक्लियर साइट टू इंश्योर वुड नॉट बी एबल टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन इन सीक्रेट। मतलब ईरान कोई भी सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा,
और IAEA जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उसको अलाउ करेगा कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं उनके न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, बेसिकली इनरिचमेंट से क्या हम समझते हैं, तो अगर 20 से कम इनरिचमेंट है, 20 KG से कम इनरिचमेंट अगर कर रहा है ईरान, तो वो नॉन न्यूक्लियर वेपन में काम आते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और वो डेडली नहीं होते हैं। इफ इट विल इंक्रीज मोर देन 20 KG, देन इट विल यूज टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, तो इसीलिए जो P5+1 कंट्रीज या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो वरी हैं, क्योंकि ईरान का जो इमेज है वो अच्छा नहीं है। अगर वो 20 KG से अब इनरिचमेंट कर लेगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, जो कि काफी ज्यादा घातक सिद्ध होगा वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ईरान क्या बोला है कि अगर डील साइन होगी तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हैं वो सारे लिफ्ट अप कर लेगी। ठीक है, और US कमिटेड टू लिफ्ट अप द सैंक्शंस एज ऑयल एक्सपोर्ट, ये ईरान कर सकता है। US ने बोला है कि वो जो सैंक्शंस लगाया है ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर, ईरान के ऊपर, वो वापस कर लेगा, और बट कंटिन्यू टू रिस्ट्रिक्ट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच हैव डिटरल इंटरनेशनल ट्रेड विद ईरान। चलिए, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक और पॉइंट बन जाता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर JCPOA ने डील साइन कर ली ईरान के साथ, तो इंडिया के लिए फायदेमंद क्या होगा? तो इंडिया की कनेक्टिविटी काफी बूस्ट होगी, जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो काफी बूस्ट होगी। रिमूविंग सैंक्शंस में रिवाइव इंडियाज इंटरेस्ट इन द चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट एंड अदर प्लान्स टू द रीजनल कनेक्टिविटी। बेसिकली इंडिया की कनेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो चाबहार पोर्ट है, बंदर अब्बास पोर्ट है, वहाँ पे भी इंडिया इन्वेस्टमेंट जो किया है वो फिर एक खुले तौर पे इंडिया वहाँ पे अपने रिलेशन फिर से न्यू तरीके से स्टेब्लिश करेगा ईरान के साथ। ठीक है, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं जिसकी वजह से इंडिया भी उनसे डील नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दिस वुड फर्दर हेल्प इंडिया टू न्यूट्रलाइज द चाइनीज प्रेजेंस इन ग्वादर पोर्ट। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक स्टेप होगा, क्योंकि जो चाइनीज हैं वो ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान में वहाँ पे अपना बेस बना के बैठे हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया जब चाबहार पोर्ट पे अपना बेस बनाएगा और बंदर अब्बास पे, तो काफी इंडिया को हेल्प मिलेगी और चाइनीज को न्यूट्रलाइज करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर टाइम। अपार्ट फ्रॉम चाबहार, इंडियाज इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है, विच रन फ्रॉम थ्रू ईरान, विच हेल्प इम्प्रूव कनेक्टिविटी विद द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, में ऑल्सो गेट बूस्ट। ठीक है, अगर ये डील साइन होती है तो ईरान का जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, जो कि ईरान के थ्रू रन करता है, ठीक है, वो कनेक्टिविटी बूस्ट करेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। तो इससे क्या होगा कि इंडिया से और सेंट्रल एशियन कंट्री जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट करने लगेगा ईरान से काफ़ी कम प्राइस पे, और वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। और दूसरा क्या है कि US जब अपना कैप्सा एक्ट हटाएगा तो और भी बहुत सारी चीजें जो इंडिया वहां से इंपोर्ट कर सकता है सस्ते दामों पे। तो ये रहा आज का हमारा पूरा डिस्कशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू।